सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि रियलिटी में तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर आपको उस बारे में नहीं पता है तो मैकेनिक्स आपको उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। अपनी गाड़ी के बारे में काफ़ी छोटी मोटी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, अगर आपको नहीं है तो डेफिनेटली आपका फिर बहुत बड़ा वाला कटने वाला है। अब मेरी गाड़ी में जो सीन हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, जो इसी तरह का सीन है। मुझे मालूम है कि मेरी गाड़ी के अंदर सेंट्रल लॉकिंग के जो गन्स हैं वो लगे हुए हैं। गन्स का मतलब ये जो होते हैं ना, इसकी मशीन, उसको गन बोलते हैं। तो जो सेंट्रल लॉकिंग की गन है वो लगी हुई है, और उसके बाद मैंने इसको चेक किया तो इसके अंदर इसका जो कंट्रोलर था सेंट्रल लॉकिंग का वो भी लगा हुआ है। सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट लॉकिंग, आप जो भी कहना चाहें इसको कह सकते हैं। हम इसे सेंट्रल लॉकिंग ही बोलेंगे क्योंकि इसके साथ मुझे रिमोट मिला नहीं है, नॉट प्रॉपरली अ रिमोट लॉकिंग। हम इसे सेंट्रल लॉकिंग ही बोलेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता है कि सेंट्रल लॉकिंग क्या होता है, मैं उनको बता दूं कि सेंट्रल लॉकिंग के अंदर जो ड्राइवर साइड वाला डोर है, डोर नॉब है, उसको लॉक करने पे बाकी तीन साइड के भी डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। उसके अंदर एक ये गन्स लगे होते हैं हर हर डोर के अंदर, और जो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली वो वर्क करते हैं। तो इसलिए इसको सेंट्रल लॉकिंग कहा जाता है, क्योंकि वो सेंटर जो है वो ड्राइवर के पास से उसे लॉक कर देते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल लॉकिंग। मेरी गाड़ी में जो इशू आ रहा था वो कुछ ऐसा था कि मैंने उसको पूरी तरह से चेक किया, चारों डोर्स के अंदर गन्स लगे हुए थे। मैंने उन सभी को निकाल के चेक किया बैटरी के थ्रू, दे वर प्रॉपरली वर्किंग, लेकिन जब हम उनको साथ में कनेक्ट करते हैं तो वो काम नहीं कर रहे थे। मैंने उसके जो मेन कंट्रोलर है उसको भी निकाल के चेक किया, वो भी अच्छी तरह से काम कर रहा था। उसके बाद में मैंने उसकी वायरिंग चेक की, तो वायरिंग चेक करते हुए मेरे को अंदर की तरफ तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब मैं वायरिंग चेक करता हुआ बाहर की तरफ गया तो देखो मुझे क्या मिलता। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। तो जैसा कि भी आप सबने देखा, मैंने इसको चेक करने के लिए खोला है और मैं इसको चारों तरफ से चेक कर रहा हूँ, और क्योंकि मुझे इसके जो गन्स हैं उन पर शक था तो मैंने उनको निकाला। तो किसी भी गाड़ी की जो सेंट्रल लॉकिंग के गन्स हैं, हमें उनको निकालने के लिए उस पर लगे डोर पैनल्स को खोलना पड़ता है। डोर पैनल्स को खोलने के लिए कुछ स्क्रू दिए होते हैं, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मैंने इन सारे स्क्रूज को अनस्क्रू किया। सारे जो डोर पैनल हैं वो स्क्रूज खोलने के बाद भी लॉक्स के थ्रू फिटेड रहते हैं, तो हमें उन लॉक को खींच के अनलॉक करना पड़ता है। तो उनको अच्छे से खींच के निकालने के बाद हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे पहुंचते हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें इन दो स्क्रूज को खोलना होता है, जिसके बाद इसके पीछे लगी जो प्लास्टिक की गन है, जो कि हमारे सेंट्रल लॉकिंग में लॉक को लॉक और अनलॉक करने का काम करती है, वो हम इजीली निकाल पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे की तरफ ये जो गन है वो लगी हुई है, और इसको अगर आपको निकाल के चेक करना है कि जाम है या नहीं, तो यहाँ से पूरा डिस्कनेक्ट करके इसे हम निकाल सकते हैं। पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखती है। तो अगर आपको इस तरह से गन निकाल के चेक नहीं करनी है, सबसे पहले अपनी वायरिंग को पूरी तरह से चेक करें, उसके बाद अगर देखें कि इसमें जितने भी फ्यूज़ लग रहे हैं वो सारे फ्यूज़ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। मेरी गाड़ी के अंदर एक्चुअली सीन ये हुआ था कि इसके अंदर जो एक फ्यूज़ था, जो कि गाड़ी के बोनेट के अंदर लगा हुआ था बाहर की तरफ, वो एक फ्यूज़ उड़ गया था, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको पूरी तरह से खोल के देखा और इसकी वायरिंग को अच्छे से चेक किया, तो मुझे ये फ्यूज़ का इशू मिल गया। अगर आपकी गाड़ी में भी इस तरह का कोई इशू आता है तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी के फ्यूज़ बॉक्स को खोलें और अच्छी तरह से चेक करें कि उस गाड़ी का कोई फ्यूज़ तो उड़ा हुआ नहीं है। अगर इस तरह का कोई फ्यूज़ उड़ा हुआ मिलता है तो उसे लगाएं और गाड़ी को फिर से ऑन करें। अगर ऑन करने पर फिर से फ्यूज़ उड़ जाता है, इसका मतलब है कि आपकी कहीं ना कहीं वायरिंग में शॉर्टिंग है। फिर उसको किसी सर्विस सेंटर के वाले के पास ले जाएँ या किसी गैरेज पर ले जाएँ, फिर उसे बताएँ कि इस तरह से ये फ्यूज़ उड़ रहा है। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो कि इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से पहले बिखरी हुई थी, जिसको मैंने अरेंज करके पाइप के अंदर कवर करके उस पर टेप लगा दी है, जिसके बाद वायरिंग कुछ ऐसी दिख रही है। और जैसा कि देख सकते हैं वायरिंग को मैंने काफ़ी अच्छे से टेप से कवर करके और अच्छे से सिक्योर कर दिया है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी का जो प्रेजेंट का लुक है गाड़ी का। जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि मैंने इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग जो है वो रिपेयर कर दी है। तो ये वाला लीवर है, इसको जब मैं उठाऊंगा तो ये दोनों उठ जाएंगे, जैसे कि आप आवाज भी सुनेंगे अभी। ये देखिए, ये सेंट्रल लॉकिंग प्रॉपरली काम कर रहा है, जैसा कि भी देख सकते हैं। अभी ये डोर खुलेगा नहीं, और ये इधर के डोर के साथ भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये एक ही स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखो ये ऊंचा हो रहा है और ये डाउन हो रहा है। दिस इज द सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जैसा कि देख सकते हैं।
इसी तरह से कुछ ये काम कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, अगर आपके किसी फ्रेंड की कार में कुछ इस तरह का इशू आ रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जो यूट्यूब की बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।